मुझे पता चला है कि कुछ मंत्री विधायक तो अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में शिफ्ट होने लगे हैं। अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। साथियों, पुरानी कहावत है कि दिया बुझने से पहले जोर से लपलपाता है। अपनी हार के डर से कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है। इसके लिए वो राजस्थान के लोगों को गुमराह करने पर उतर आई है। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद रखना है, कांग्रेस का एक ही मतलब है। कांग्रेस मतलब, साथियों, आपका प्यार सर आंखों पर, आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। साथियों, कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। साथियों, कांग्रेस की झूठ और छलावे की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। आप मुझे बताइए, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। कांग्रेस ने वादा किया था, इनके नेता ने 10 दिन के भीतर भीतर कर्ज माफी की कसम खाई थी। क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? 10 दिन, 10 महीने और अब 4 साल, कर्ज माफ हुआ क्या? किसानों को कुछ मिला क्या? यहां के किसान इतनी बड़ी मात्रा में बाजरा उत्पादन करते हैं, हमने मोटे अनाजों को श्री अन्न के तौर पर प्रमोट किया, दुनिया में पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। बाजरा पड़ोस के हरियाणा में 2350 रुपये प्रति क्विंटल बिका, 2350 रुपया प्रति क्विंटल, और ज्यादा दूर नहीं हरियाणा में, और यहां राजस्थान में वही बाजरा किसान 1300 रुपये में बेचने को मजबूर हो गया। हमने राजस्थान के किसानों के लिए नर्मदा का पानी पहुंचाया, इन्होंने इसे रोकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों से यही नफरत कांग्रेस की फितरत है।